आज हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेके आए हैं। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो रेसिपी बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन की कढ़ी। तो ये सहजन है, बहुत लोग इसको मुनगा भी बोलते हैं और बहुत लोग इसको ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। तो हमारे यूपी में तो सहजन और मुनगा के नाम से ही ये जाना जाता है, और ये मुनगा की कढ़ी यानी सहजन की कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को आप बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, इसको हम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। इसके टुकड़े का जो साइज़ है उसको आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें जो ये रेसे होते हैं उसको हमको निकाल देना है, क्योंकि ये पकने में काफ़ी टाइम लेगा और इसका जो टेस्ट है खाने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए इसके जो रेसे हैं इसको हमको निकाल देना है। तो जैसे छीलते हैं, एक तरह से उसको छीलना ही बोल सकते हैं। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, और ये देखिए इसके रेसे ऐसे ही बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और अगर आप यूपी और एमपी साइड के हैं, बिहार साइड में भी ये कढ़ी अधिकतर जो है बनाई जाती है, और ये इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, सारे सहजन को हमने जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको पानी से धुल भी लिया है। तो चलिए अब हम कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लेना है, क्योंकि हम ये बेसन की कढ़ी में बना रहे हैं। तो एक कप हमने दही लिया है। तो यहाँ पे हमने खट्टी दही का इस्तेमाल किया है। तो दही की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन कढ़ी बनाने के लिए हम खट्टी दही का ही इस्तेमाल करते हैं। उससे जो कढ़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, फिर हम इसमें पानी डालेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रह जाएँ। अगर आप डेली दाल बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो एक बार आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की भी है। तो अब ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और पानी डाल के, ये देखिए इसका पतला घोल हमें तैयार करना है। तो ये सारा घोल हमारा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। इधर हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा। अब इसमें डालते हैं सरसों का तेल गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद इसमें डाल देते हैं हम बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसको हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम मेथी दाना। तो लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद हमको मेथी दाना डालना है। अब डाल देते हैं हम इसमें हींग। हींग से जो कढ़ी का फ्लेवर है, टेस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, और ये डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी हेल्प करती है। और ये हमने राई लिया है। आप इसमें बड़ी वाली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सूखी लाल मिर्च ली है, तो इसको हम तोड़ के डालेंगे। इसकी जगह आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो कढ़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस इसको हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। उसके बाद अब इसमें हम डाल देते हैं सहजन को। तो जैसे हम आलू फ्राई करते हैं ना, वैसे ही हमें सहजन को भी फ्राई कर लेना है। तो 3 से 4 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें हम घोल को डालेंगे। तो ये देखिए, इसका कलर जो है चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं, ये हमने सूखे करी पत्ते लिए हैं। आप चाहें तो आप फ्रेश करी पत्ते डालें, उससे जो कढ़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब इसमें हम बेसन के घोल को डाल देते हैं, और जब बेसन का घोल डालें तो आप गैस के फ्लेम को एकदम मीडियम रख दें ताकि उसके छींटे आपके ऊपर ना आए। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसका कलर आप देख सकते हैं, इसका कलर अभी ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो कढ़ी में हम पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि कढ़ी जो है उसको 25 से 30 मिनट हमें अच्छे से पकाना है। अब इसमें हमने डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब इसको एक बार मिक्स करें और कढ़ी को हम मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। तो कढ़ी को हम 25 से 30 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, उससे जो हमारी कढ़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए, इसको एक बार हम मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे कढ़ी को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, और इसमें डालते हैं हम धनिया पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ता डालने से जो कढ़ी का टेस्ट है और उसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो कढ़ी बनाना तो हर किसी को आता है, लेकिन कढ़ी का जो पकने का टाइम होता है उसको आप 25 से 30 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएँ, तो आपकी जो कढ़ी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये हमारी जो है सहजन की कढ़ी बनके बिल्कुल रेडी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।